हाल ही में अपने चमत्कारों से खूब चर्चा में आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने भाई के चलते अब फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां पिस्टल की नोक पर महाराज का छोटा भाई शालिग्राम गर्ग वीडियो में एक व्यक्ति को धमकाते हुए नजर आया है। दरअसल ये वीडियो 11 फरवरी का किसी शादी समारोह में हुए विवाद के दौरान का बताया जा रहा है। इस दौरान शालिग्राम गर्ग मुंह में सिगरेट और पिस्टल ताने दिख रहा है। ये पूरा मामला छतरपुर जिले के गड़ा गांव का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई हाथ में कट्टा, मुंह में सिगरेट लिए लोगों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि परिवार दलित है और वह किसी शादी समारोह में पहुंचे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई गाली गलौज करते हुए उन्हें मारपीट कर रहे हैं। वो कट्टे से दलित परिवार के सदस्यों को धमका रहे हैं। चश्मदीद के बयान के अनुसार ये पूरा विवाद गाने को लेकर हुआ था। शादी समारोह में नाच गाने के लिए संगीत बज रहा था और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम गर्ग गाना बंद कराकर बागेश्वर धाम के गाने को बजाने की जिद कर रहा था और इसी को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गौरतलब है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई हमेशा बागेश्वर धाम सरकार के कथा प्रवचन के दौरान दिखाई देते हैं। बागेश्वर महाराज के गढ़ाए सो बिरजे वाले कछुन दे जा कछुन को खाना पीना का स्वागत होगा, पहले फिर सीधे खाना बुला दो बरात, खाना खाओ देख पाँच मिनट बनने फिर हम और लगे तो हम खान लगे सुजल बाबू गाई गुज गुज कर गंदी गंदी मारपीट भी करने लगो, हथियार भी लें तो दारू पी गए गिरत भी तो हन के दारू पिए तो दो एक लड़का संगे दोगे और फिर बिटिया वाले घरे गो बिटिया मिल जाती बताई तो वही हम भी मार दो जो भी बताओ आदमी ने कि एक बिटिया हो एक दमन बरात आई थी दमान हो मताई हम आओ तीन जना बस वहाँ पर कौन आया था बागेश्वर को जौन हाल थे महाराज को भज्जा। आपका मुख्य विवाद क्यों हुआ था? कुछ कोई बोली चल ना तो कौन का वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। इस वीडियो के समय की घटना दिनांक की पुष्टि की जा रही है, जांच की जा रही है। इसमें जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहा हो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौन है सर व्यक्ति, किस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है? अभी इस मामले में जांच की जा रही है, अभी इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। स्वतः संज्ञान में लिया गया है वीडियो और इसमें जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इसके समय की स्थान की पुष्टि की जानी बाकी है। बरातियों का भी वर्जन आया उसमें कि वो बता रहे हैं कि वहीं धाम पे इस प्रकार का वर्जन अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया हुआ है, हमें सिर्फ वीडियो प्राप्त हुआ है अभी। सर कोई शिकायत आई है क्या अभी तक? अभी इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं। सर बता रहे हैं कि वो परिवार बहुत दहशत में है, बहुत डरा हुआ है परिवार, इस तरीके का उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट हुई है। अभी अगर कोई परिवार इस प्रकार का है तो उसने पुलिस में कोई सूचना नहीं दी है, अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो वैधानिक जान को भी खतरा है। लेकिन अगर कोई शिकायत करता है उसके आधार पर ही कार्रवाई की जा पाएगी। मतलब अगर शिकायत किया जो पिस्टल लहरा रहा है क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी जब ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं? सर उस चीज़ की जांच की जा रही है, सोशल मीडिया का कहाँ का वीडियो है, किसका वीडियो है और कब का वीडियो है, जैसे ये पुष्टि होती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कब तक सर कार्रवाई हो सकती है उस पर? जाँच पूरी होने पर कार्रवाई की